ये चाहिए जो कि सबसे बढ़िया है बैठने के लिए, अगर आप गैस पे काम कर रहे हैं तो भी पहाड़ी घरों गैस एक ही किचन में होता है, वही गैस किचन है और वही जो लकड़ी वाला किचन है, तो यहाँ बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए हमारे पास है ये चेयर कैचुआ की, और इसमें मस्त यहाँ बैठेंगे, जो भी बनाना है यहाँ से बना सकते हैं दलिया की तरह दादी के लिए। और ये बन रहा है दलिया दादी के लिए। ये लो जी हो गया झाड़ू तैयार झाड़ू मारने के लिए। तो अगर आपको पहाड़ में रहना है तो थोड़ा बहुत काम आपको आना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में, मेरा नाम नीतीश गल्ला है, वॉचिंग नीतीश गल्ला ब्लॉग। तो दिखा दे पहले आपको अपने गैजेट कहाँ कहाँ कैसे पड़े हुए हैं और मैं इनको कहाँ कहाँ ढूँढ रहा था, टैबलेट ढूँढ रहा था नीचे, लेकिन नीचे जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था, फिर मेरे को याद आया कि मैंने रखे हुए यहाँ पे, यहाँ ही पूरा सामान आया भी नहीं है, ये पूरा फुल हो गया, लेकिन नीचे अभी बहुत स्पेस है इसके, इसमें होना चाहिए भाई गोप्रो और टैबलेट। देख रहे हैं आप कैसे डाले भाई, पहले में डाले हुए गैजेट, पहले में डालता गोप्रो इसमें, क्यों हुआ यार, तो आपको पता नहीं कितनी मिल जाएंगी इसमें। ये रहा अपना टैबलेट, ये रहा गिम्बल जिसका तो यूज ही नहीं हुआ अभी तक, ये भाई और केबल है जिसमें रही गोप्रो की बैटरी और गोप्रो का चार्जर, गोप्रो की बैटरी अडैप्टर जिसमें हम चार्ज करते हैं गोप्रो की बैटरी, ये रहा हमारा क्यूब। और ये सामान तो कुछ भी नहीं है, नीचे पड़ा हुआ पूरा एक थैला बड़ा वाला, ऑन करके देखते हैं बैटरी है नहीं या नहीं इसमें, हो गया हो गया गोप्रो, ओहो बैटरी तो है लेकिन 12% 9% और 6% डाउन हो जाएगा सीधे, अभी देखो 3% बस 3% बैटरी है और सीधे बंद हो जाएगी मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है वीडियो बनाते बनाते। हेलो 2% 1% इससे पहले बंद है, मैं ही बंद कर देता उसको। बूम, तो इस सामान को मैं ढूंढता पहले गिम्बल को लगाते चार्जिंग पे, गिम्बल की तो भाई हालत ही ख़राब हो रखी होगी, ये पता नहीं कब से यूज़ नहीं किया, यूज़ तो किया ही नहीं, अभी एक ही टाइम यूज़ किया था जब हम मैच में गए थे, उसके बाद बस इसको लेके आए थे, इसको चार्ज नहीं किया, पहले चार्ज करते भाई क्योंकि बैटरी इसकी एकदम डेड हो गई। तो ये हो रहा है गिम्बल चार्ज,
भाई कुछ भी बैटरी नहीं है इस पे, डाउन बैटरी एकदम। तो यही होता है अगर आप बहुत टाइम से जो कि गैजेट यूज़ नहीं कर रहे तो बैटरी जो कि डाउन हो ही जाती है उनकी। तो अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने वो चार्जिंग पे लगा दिए। गोप्रो तो पता नहीं कब से यूज़ नहीं हुआ, नहीं गोप्रो तो यूज़ हो गया था, गिम्बल और टैबलेट बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ। अभी भाई अब यूज़ में लेंगे थोड़ा बहुत। यह बनेगी फिर आज राजमा चावल, तब तक हम काटते हैं अनार दादी जी के लिए। तो अनार हमने काट दिए, इनको थोड़ा रखते हैं धूप पे, उसके बाद दादी को देते हैं इनको। अभी गोली भी आ गई स्कूल से खाना खाने के लिए हाफ टाइम में। कैसा बना हुआ है साग? बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट। नहीं है? है तो बना हुआ है, बना हुआ है। अभी गुरु ने भी आना था लेकिन गुरु आया नहीं, तो अभी चले गए यहाँ पे लाइट। तो यहाँ जली हुई मोमबत्ती और यहाँ हमें जलाई हुई फ्लैश लाइट। यहाँ चूल्हे पर रखा हमने भाई इस पे चावल, इसको हम भूटेंगे थोड़ा सा, बस हो गया तेल गर्म। एक हाथ से मैं क्या क्या करूँगा, चलो आप खाली आवाज़ सुनो यहाँ से। ये वाली आवाज आएगा चावल, ये बासी चावल है जिसको हमने यूज़ में ले लिया है। लाइट भी चली गई है और यहाँ पे जो कि मोबाइल जो नेटवर्क रहते हैं वो भी चले गए हैं। तो पहाड़ों में ऐसा काम चलाने पड़ते हैं। और हमारे जो लाइट है, जो सोलर लाइट है, वो बगल वाले रूम में है, तो ये हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। इसमें हाथ क्या गए, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट वालों की भी दिमाग खराब हो गया, मेरा हाथ भी चल गया। चलो भाई चावल भी तैयार हो गए हमारे और यहाँ रोटी भी बन गई हैं। लाइट तो आ गई लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं आया अभी तक। आपको यहाँ दिखेंगे नो नेटवर्क कवरेज, यहाँ देख सकते हैं आप टावर ही नहीं है।